अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सारा, मतलब बहुत सारा। तो भाई आज दोबारा से हम लोग मौजूद हैं धोरा जी पे। आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं धोरा जी इतना क्यों आने लगी हूँ। भाई धोरा जी से मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ है, बट ये है कि यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे वैरायटी इतनी होती है, उसको कवर करने के लिए हमें बहुत बार बार धोरा जी आना पड़ेगा और मज़ीद आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोग ये इलाका देखते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है आपको मशहूर मशहूर इलाकों की मशहूर मशहूर चीज़ों से आगाह करना। तो जी आज हम जहाँ मौजूद हैं, आज हम मौजूद हैं मेमन बाइक्स पे, ठीक है जी। मेमन बाइक्स पे आने का हमारा बेसिक रीज़न क्या है, इनके यहाँ का खालसा थाल जो है वो टेस्ट करेंगे आज हम। मैंने ज़िंदगी में खालसा कभी टेस्ट नहीं किया, मुझे इसका फ्लेवर बिल्कुल नहीं पता है कि उसका फ़्लेवर कैसा होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरे लिए आज सरप्राइज़ है कि वो कैसा मेरा रिएक्शन होता है। मेरा वो रिएक्शन आप लोगों के लिए भी रिएक्शन ही होगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं ट्राई किया। तो चलते हैं इनका खालसा की मेकिंग भी देखते हैं और किस तरीके से वो थाल में, थाल है वो पूरा, तो थाल में सर्व करेंगे और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो आ जाइए मेरे साथ। खट्टा खट्टा पहले ही उठा दिया, पहले मुझे दे देंगे आप, मैं पहले बताऊंगी आपको, बड़ी जल्दी हो जाती है, रुक जाएं। भाई हमारे पास जो आ चुकी है थाली खालसा की, इसके अंदर क्या क्या है यूनुस देखिए मैं आपको बता दूं, मुझे भी नहीं पता था लेकिन मुझे पता चल चुका है। इसमें क्या है, ये स्पैगेटीज जिसके ऊपर इन्होंने ब्राउन प्याज और हरा धनिया गार्निश किया हुआ है, साथ में है खट्टे खट्टे लीमू, उसके साथ है स्लिम्स, ये है चिकन करी, ये है बीफ करी, ये है ग्रिल चिकन, ये है कॉर्न पापड़ी, ठीक है ना। सब जज्बाती आदमी, रुक जाओ बताओ। अच्छा भाई बहुत जज्बात में आ गई उन्होंने। अच्छा भाई बात ये है कि मैंने कभी नहीं खाया, मैं बता चुकी हूँ, आज मैं इसको ट्राई करूंगी। पहले मैं ये पूछूंगी सब लोगों से भाई इसको खाते कैसे हैं, सारी कड़ी हम करेंगे इसको। ये जो एगड़ी है इसके ऊपर हम करी डालेंगे या करी को इसके अंदर डालेंगे, क्या करेंगे हमें नहीं पता, बट मैं ये मुझे बड़े मजे की लग रही है। रुक जा, बड़े मजे के सबर नहीं हो रहा है। कोयले का मतलब, इसका मतलब इसको कोयले पे किया गया ग्रिल या इसको बारबेक्यू किया गया मुझे नहीं पता, बट ये है कि अच्छा मैं तो इन दोनों के साथ ट्राई करने वाली हूँ, बड़े मजे की है। अच्छा जो कड़ी है ना, जरा रुक जाओ यार, ये कड़ी भी जरा मैं अलग से ट्राई करूँ। बेहतरीन में कोले का टेस्ट आ रहा है। हाँ यार लहसुन लहसुन जबरदस्त, ऊपर से लहसुन डाला हुआ है। और क्या दूँ ये खाता हूँ उमदा। भाई मैं इसको ट्राई करती हूँ, नहीं हम इसको ट्राई करते हैं, हम इसको ट्राई कर ही रहे हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं मुकम्मल खाने के बाद कि ये कैसा है। आप लोग देखते रहिए हमारी वीडियो कि हम इसको खा के आपको बताएंगे ना, क्योंकि भाई कि ये कैसा है, तो बने रहिए वीडियो में, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अभी पूरा रिव्यू देते हैं कि फ्लेवर में कैसा था, तो जाइए और फिर वापस आइए, हम खाते हैं। खाने का तरीका मैंने सीख लिया है अपनी समीना बाजी से। ये स्पैगेटीज पर डाल लिया है हमने कड़ी, ठीक है ये डाल दी, ठीक है। अब ये जो करी है ना, चिकन करी, अब ये चिकन करी भी डाल, ये तो मेमन डिश है ना भाई। अरे यार अब मैं डालूंगी करी इसके अंदर, ये देखो भाई अभी थोड़ा सा मैं बीफ भी डाल लेती हूँ, ठीक है भाई। मेमन स्टाइल में बात करेंगे आज हम, हैदराबादी और मेमन। जुलेखा
ए जुलेखा, अच्छा जुलेखा नहीं है हमारे पास, ए रजिया, ये काले, अच्छा भाई सॉरी यार माजरत के साथ फन कर रहा था जस्ट। अच्छा भाई ये पापड़ी भी डाल ली, ठीक है भाई ये थोड़े से स्लिम्स भी डाल लिए, फोक उठा लिया है मैंने हाथ में, इसको मैं करूँगी इस तरह से मिक्स जो कि मुझे बताया गया है, ये मैंने फोक में ले लिया है, अभी जाएगा मेरे मुंह के अंदर। सोचाना था ऐसा होगा, बहुत मज़े का, सीरियसली मुझे नहीं पता था, मैंने आज तक ये ट्राई ही इसलिए नहीं किया था कि पता नहीं स्पैगेटी इस पे कड़ी डाल दी और चिकन डाल दी, पता नहीं क्या होगा ये, बट लिटरली बहुत तारीफ सुनी थी हमेशा से, और मेमन बाइट की तो खासा की बहुत सुनी थी तारीफ, बहुत ज़बरदस्त है, फ्लेवर बहुत मज़े का है, मेरा तो ओपिनियन यही है, बाकी यूनुस आपको बताएंगे कि उनको कैसा लगे कि वो भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगे, तो चले भाई यूनुस अब आप बताएंगे कैसा है। अब है इम्तिहान यूनुस का। यूनुस बहुत शुक्रिया ये तुमने सारी चीज़ें डाल दी मेरे लिए, मैं तैयार करके दे दिया, मिक्स कर दिया आपने, आप फ्लेवर बताएंगे कि कैसा। मैं कड़ी कड़ी सब चीज़ें में ऐसा जबरदस्त लाजवाब वाकई में, आपको लगा था कि ऐसा हो सकता है, लगा था आपको? अरे नहीं भाई मैं तो सोच रहा था ये खाऊंगा कैसे, लेकिन बड़ा जबरदस्त टेस्ट है भाई माशाल्लाह, मैंने पहली बार बहुत ट्राई किया है, हाँ मुझे नहीं पता था, मैंने अपना लिया है बराबर, एक नया स्टाइल आ गया, ये नया स्टाइल नहीं है ये, अरे नहीं भाई मेरे लिए तो नया स्टाइल है, हमारे लिए इसलिए नया क्योंकि भाई हमने कभी खाया नहीं, और मैंने इस तरह थाल में सर्व हुआ नहीं खाया, मैंने नहीं मतलब मैंने खाया नहीं थाल में सर्व हुआ नहीं देखा, बट ये जो सर्विंग उन्होंने की ना बहुत लाजवाब बहुत ज़बरदस्त, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मज़े मज़े की पापड़ी और स्लिम्स खाने के लिए, ये मज़ेदार सा थाल खासा का खाने के लिए आपने कहाँ आना है, आपने आना है मेमन बाइट पर जो कि मौजूद है जमाल हॉस्पिटल के बिल्कुल बराबर में, मेन दोहरा जी का, ठीक है जी हम इसको ट्राई करते हैं, और अभी मैं आप लोगों को एक सरप्राइज भी बताऊँ कि अभी हम इनका इनके पराठे भी होते हैं, पराठे का भी रिव्यू करेंगे आपको, लाजवाब सा बेहतरीन सा पराठा आ गया यार चीज़ से भरा हुआ, अभी हम ये भी खाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि भाई ये कैसा है, पराठा भी है, ओह लाजवाब पराठा भी है, यहाँ तो सारी वैरायटियाँ हैं, सारी वैरायटी है, मैं पराठा, वाह खाओ खाओ खाओ, हर चीज लाजवाब है भाई माशाल्लाह, बहुत पसंद आया मुझे मेमन बाइट, भाई खाओ साओ तो मैं दिल ले गया, अब हम इसको एंजॉय करेंगे फुल देसी तरीके से, ठीक है। बहुत सारा ने सारा डाल दिया है ऐसे क्यों, ओह ये तो वीआईपी डिश बना दी तुमने, वाह जबरदस्त, ये देखिए भाई आप इसको मिक्स करके खाएं, ग्रीन कायल नींबू, अच्छा भाई ये खास है, बहुत सारे आइटम मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसको खाएंगे, ये देखिए जनाब, वाह सारा ने बहुत सारा मिक्स कर दिए और ज़्यादा नज़र, अभी उठा लिया हमने ये हाँ खाऊंगी मैं, और मुंह आपके सामने कैमरे में आएगा यूनुस का, वाह 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 वाह, मज़ा आ रहा है भाई आज तो खाने, चले भाई मैं खाती हूँ, मज़ेदार जी, तो आज में अभी मेरे साथ मौजूद है मेमन बाइट के ऑनर जी, तो हमारे साथ ऑनर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उमैर मेमन, ठीक है, तो मुझे बताएं कुछ मेमन बाइट के बारे में बताएं, सबसे पहले तो मुझे बताएं मेमन बाइट की नाम क्यों, आपका सरनेम इसलिए? नहीं मेमन तो हमारा सरनेम है, मगर बाइट का मतलब खाना, हाँ, वन बाइट, ठीक है, खाना ऐसा होना चाहिए वन बाइट में पता चले कि कुछ खाना है, जबरदस्त,
मतलब मुंह में जाते ही मतलब मजा आ जाए, और एक पहले बाइट पे आपको मतलब अंदाजा हो जाए कि खाने की क्या क्वालिटी है, जो कि मुझे भी हुई फर्स्ट टाइम यहाँ का टेस्ट करके मुझे पता चला। अच्छा मुझे ये बताएं कब से आपका ये शॉप है, या आप स्टॉल पे थे या डायरेक्ट शॉप की है? पहले मेरा स्टॉल था, स्टॉल के बाद मैंने पीछे गली के अंदर शॉप ली और फिर यहाँ पे शॉप ली। अच्छा तो कितना अर्सा हो गया? मुझे इस काम को 5 साल हो गए हैं। माशाल्लाह 5 साल हो गए हैं। और मजीद आपके पास हमने खावसा आपने ट्राई किया, पराठा भी ट्राई किया, इसके अलावा और क्या क्या वैरायटी होती है? इसके अलावा मेरे पास चाट की थाली होती है, खावसे की थाली होती है, ठीक है, और अपना खट्टे आलू पानी पूरी, मीठे दही बड़े, भेल पूरी वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। ठीक ठीक। अच्छा आपके पास जो मुझे ये बताएं कि खावसा में जस्ट थाली ही है आपके पास, या आप जो स्टाइल नॉर्मल देखा है वैसे? नहीं नहीं, नॉर्मल भी होता है हमारे पास, 1% के लिए, 2% के लिए थाली, तो इसके लिए लेते हैं लोग जो है वो सारी चीज़ें बोलते हैं कि हम अपने तरीके से खावसा बनवाएंगे खाएंगे, तो इसलिए चिकन अलग होता है, बीफ अलग, टिक्का बोटी अलग, कड़ी अलग होती है, और स्पाइस अलग होते हैं। और ये जो थाली है खावसा की, आप कितने लोगों को रेकमेंड करते हैं कि आराम से खा सकते हैं? 2% आराम से पेट भर के खा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे अपना ब्लॉग करेंगे एंड आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जरूर आए निमन भाई मेन भराजी पर, और आपको जरूर ट्राई करें, उन्हें कॉमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। तो अपने बहुत ख्याल रखना, आप लोगों ने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।